देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हिमाचल प्रदेश में, बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया और हमारे इलाके में एक प्रोजेक्ट लगा जिसका शिलान्यास खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, 66 मेगावाट का दौलत सिंह प्रोजेक्ट, जिसकी मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रहा हूँ। धौला सिद्ध प्रोजेक्ट में बड़ी धांधलियाँ हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने नहीं हैं, लोगों से छुपाई गई हैं। और अगर इसमें धांधलियों की बात करें तो SGVN और धौला सिद्ध में जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिसका नाम ऋत्विक कंपनी है, ये उनके दोनों की मिली भगत से ऐसा हुआ है। दो मुद्दे हैं, पहला कि गैर कानूनी तरीके से खनन करना, क्रशर प्लांट लगाना, प्लांट की जब कंसेंट मिली उसके बाद इलीगल तरीके से उसको चलाना, बैचिंग प्लांट जो वहाँ पर लगा है जिसकी अभी तक परमिशन नहीं है वो भी चलाना, और दूसरा कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है सरकार के साथ SGVN के साथ, कि 100% रिक्रूटमेंट जो है वो स्थानीय लोगों को मिलेगी, इफेक्टेड एरिया से जो लोग हैं उनको मिलेगी, उसमें भी बाहर के प्रदेशों के लोगों को नौकरी देना, ये दो बड़े मुद्दे आज मैं आपके सामने रखूंगा। पहला मैं विस्तार से बताऊंगा कि जो क्रशर प्लांट अंदर लगा है जिसकी कंसेंट लेटर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो कंसेंट लेटर है जो सरकार ने उन्हें दिया है। अगर आप इसके ऊपर डेट देंगे, मैं अभी सारे जितने डॉक्यूमेंट्स आपको दूंगा, इसके ऊपर लिखा है कि 20 तारीख यानी कि पिछले महीने की 20 तारीख को ये लेटर धौला सिद्ध के ऋत्विक प्रोजेक्ट को जो है उनको दिया गया है कंसेंट टू एस्टैब्लिश, यानी कि क्रशर को आप एस्टैब्लिश वहाँ कर सकते हैं। आप किसी टेक्निकल आदमी से पूछिए जिसको इसका ज्ञान हो कि कोई क्रशर लगाने के लिए 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, मशीनरी है, बड़ी मशीनरीज होती हैं, लाना आना ऑर्डर देना करते करते बहुत ज़्यादा भी, तो 2 महीने से कम नहीं लगेगा, अगर आपने नए बनवाने तो ज़्यादा लग सकता है समय। तो इसका मतलब कि अगर ये 20 तारीख को कंसेंट मिली है तो ये कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्रशर जो ये लगा हुआ है ये 10-15 दिन में तो लग नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्रशर पहले से लगा हुआ है और 20 मई। और दूसरा कि क्रशर की खनन की यानी कि प्रोडक्शन की लेटर अभी ऋत्विक कंपनी के पास नहीं है, परमिशन नहीं मिली, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली, तो उसके आए ये सवाल पैदा हो। और इस क्रशर की तस्वीर के आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये जिसे हम देसी भाषा में बजरी कहते हैं, स्टोन्स हैं, ये सब पड़ा हुआ है, तो ये कहीं बाहर से तो मंगवाया नहीं, उसी क्रशर से निकला हुआ है। माइनिंग ऑफिसर को हमने कहा, कंप्लेंट भी गई उसके बाद, वहाँ विजिट भी किया होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कोई चलान या कोई उसको रुकावट, रात के अंधेरे में अभी भी चल रहा है। दूसरा जो बैचिंग प्लांट, इसकी परमिशन ही नहीं है तो ये लग कैसे गया, सवाल तो ये खड़ा होता है। आप लीगल तरीके से काम कीजिए, परमिशन लीजिए, रॉयल्टी जाती है सरकार को, उसके बाद अपना काम चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिना परमिशन के रात को खनन हो रहा है, सरकार को और स्थानीय लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रात के अंधेरे में आप ये काम क्यों कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है पहले पॉइंट का कि प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में ही अंदर काम इलीगल तरीके से चला हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका जवाब दे, ये इलीगल तरीके से काम क्यों चलाया जा रहा है। दूसरा जो रोजगार की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और 2 में से 1 कंपनी अभी काम कर रही है क्योंकि दूसरी कंपनी का इलेक्ट्रो मैकेनिकल काम है वो भी शुरू नहीं हुआ, तो पहली कंपनी सिविल और हाइड्रो मैकेनिकल का काम कर रही है यानी कि ऋत्विक कंपनी, जिसके साथ जो इन्होंने ज़मीनें ली हैं प्रोजेक्ट के लिए उसमें अगर डेटा देखें, ये डेटा है मेरे पास, इसमें 44 यानी कि 44 गांव जो हैं हमीरपुर ज़िला और कांगड़ा ज़िला के मिलाकर हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं जिनकी ज़मीनें ली, जिसमें से 30 गांव जो हैं बड़े वो हमीरपुर ज़िला के और 14 जो हैं वो कांगड़ा के। ज़मीन ली गई, लोगों को आश्वासन दिए गए कि आपको, आप ज़मीन दे रहे हैं, कईयों ने कम पैसे में लिए, कईयों ने ये वादे में लिए कि आप हमारे बच्चों को रोज़गार देंगे जो क्वालिफाइड है जिसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके तहत जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज 6.1 यानी कि इसमें लिखा है एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ एंड लेबर,
और इसमें पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ, एंड आई कोट, सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल्स फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर द रेलिवेंट पोस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू मेक 100% रिक्रूटमेंट एट द लेवल ऑफ वर्कमैन इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड मिस्ट्रियल रिक्वायर्ड टू बी डन इफ एनी फ्रॉम द लैंड आउटसाइड फर्स्ट। मतलब जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ से आप पहले लोगों से पूछेंगे कि वहाँ पे कोई क्वालिफाइड आदमी है उस पोस्ट के लिए, वहाँ आपको इन गाँव में नहीं मिलता है, आप जिले में जाइए दूसरे विधानसभा में पूछिए, फिर उधर आपको नहीं मिलता है तो आप बाहर वाले जिलों में जा सकते हैं वहाँ पूछ सकते हैं, आपको पूरे प्रदेश में नहीं मिलता है तो आप दूसरे राज्यों से स्टेट से वहाँ से रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। अब हम इसमें और डिटेल में चले गए कि कितने लोग रखे कहाँ से रखे, तो उसमें बड़ा मज़ेदार आंकड़ा हमारे सामने आया कि 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो बाहर के लोग, ऋत्विक कंपनी के अंदर भी जो रखे गए हैं जिनको आगे सबलेट किया गया है उसमें भी है, कई तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनकी 100% रिक्रूटमेंट बाहर की है, इसमें बिहार भी है बाकी भी हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो इफेक्टेड एरियाज हैं अगर उसकी परसेंटेज निकाली जाए तो 3 से 5% लोगों को रोज़गार मिला। सबसे बड़ी मज़ेदार बात क्या, अगर ये कहेंगे सर ये हमारा ऐसी पोस्ट है कि यहाँ पे हमें आदमी नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे हैरान था ये देखकर कि LMB लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर यहाँ पे नॉन हिमाचली रखा है उत्तर प्रदेश से, जो फोरमैन है सिविल में वो भी नॉन हिमाचली और झारखंड से, पंजाब से लोडर मैकेनिक लेकर आए हुए हैं, जो HMV ड्राइवर्स हैं वो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, कुछ टेक्निकल ऑपरेटर्स हैं वो भी मध्य प्रदेश से दिखाई दे रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से लोग हैं। और ये डेटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो कंपनी के अंदर लिस्ट पड़ी हुई है रिक्रूटमेंट की विद एड्रेस विद पोस्ट, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, ये ब्यौरा है। अब सवाल ये बनता है कि जिन लोगों के साथ इन्होंने वादे किए, SGVN का काम क्या है? उनका काम यह है कि रिक्रूटमेंट उनके थ्रू आ रही है, जितने भी हमारे इलाके के लोग जो इफेक्टेड एरिया से हैं बाहर के भी जो हैं उन्होंने वहाँ पर अपने बच्चों की क्वालिफिकेशन के साथ रेज्यूमे अप्लाई करे हैं, डिग्रियाँ दी हुई हैं कि हमारे बच्चों की क्वालिफिकेशन है, चाहे मैकेनिकल है चाहे कोई ड्राइवर है चाहे कुछ है, तो वो उनको टाला जा रहा है कि अभी ऐसा है नहीं, हम नहीं रख रहे हैं, रखेंगे आपको बता देंगे। कोई और आ रहा है जिसकी लैंड इफेक्टेड नहीं है उसको बोल रहे हैं कि जो लैंड इफेक्टेड एरियाज से हैं उनको पहले रखेंगे, लेकिन असलियत में बाहर के लोगों को रखा जा रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और उससे बड़ी बात कि हमने बात करी प्रोजेक्ट वालों से, हमारी बात ये हुई कि आप जो है हमारे जो जितने भी स्थानीय नेता हैं लोग हैं उनकी एक मांग है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए, बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें कोई BJP की बात नहीं है, उसमें कोई कांग्रेस की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है यहाँ का युवा है उसका अधिकार पहले बनता है, आपको यहाँ का क्वालिफाइड आदमी नहीं मिलता आप तब बाहर। अब कंपनी से सवाल बनता है और SGVN से सवाल बनता है कि SGVN के होते हुए बाहर के लोगों को नौकरी कैसे मिले, यहाँ तक कि ड्राइवर और फोरमैन और मैकेनिक के भी जो पोस्टें हैं वो भी बाहर के लोगों की रखी हुई है। दूसरा तीसरा कि आज आप लोगों के माध्यम से हम SGVN और ऋत्विक कंपनी और इस पूरे धौलप सिर्फ प्रोजेक्ट के जितने भी लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं। अल्टीमेटम इसलिए देना चाहते हैं कि लोगों में बहुत रोष है और आने वाले 12 दिन के अंदर 10 से 12 दिन के अंदर अगर इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी पालना नहीं करी, पहला जो इलीगल काम चला है उसको बंद करें, परमिशन लें, उसके बाद काम चलाएं, बिना परमिशन के बिना कानूनी कार्रवाई के बिना सरकार की अनुमति के अगर आप काम करेंगे तो हम काम रोकेंगे, काम में अड़चन पैदा करेंगे। दूसरा, अगर आपने स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया, अगर जिन लोगों का अधिकार बनता है, और ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर आप लोगों ने इसकी पालना नहीं करी आने वाले 10-12 दिन में, तो हम लोग बड़े स्तर पे जो है वो एजिटेशन प्लान करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट चले, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट चलता है उससे इलाके के लोगों को फायदा होता है, बेशर्त वहाँ के लोगों के साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट चलाया जाए, वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो, सरकार की सारी अनुमतियों के बाद वो काम किया जाए, तो एक अच्छे माहौल में हम चाहते हैं जो काम करने आ रहे हैं वो काम किया जाए, प्रोजेक्ट चले। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना करके आप प्रोजेक्ट को चलाते हैं आगे बढ़ाते हैं, हम प्रोजेक्ट में अड़चन भी डालेंगे, रोकने का भी पूरा प्रयास करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे,
चार महीने सरकार के रह गए हैं, अगर जाते जाते भी सरकार ये सोच रही है कि जो ये करना चाहते हैं करने दें, धरने प्रदर्शन से उनको कोई असर नहीं पड़ता। हमने इसी टाइम आपसे बात करते समय, कल हमारी जो हमारा लीगल सेल है उससे भी हमारी बात हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना की गई है, डॉक्यूमेंट्स ऊपर जमा हो गए हैं, इसके बाद भी लोग नहीं जाते, तो हम हाईकोर्ट का रास्ता अपनाने के लिए भी तैयार हैं। PIL दाखिल होगी, हाईकोर्ट फिर इसका संज्ञान लेगा और उसके अंदर बाधा जो है फिर हाईकोर्ट खुद डालेगा। तो पहले भी डिप्लोमेटिक चैनल से बात हो चुकी है, लेकिन जो कंपनी वाले हैं और SGVN वाले हैं वो यहाँ के लोगों की समस्या से अवगत होने के बाद भी वैसा काम नहीं कर, जमीन ही खराब हुआ। अब SGVN भी उतना दोषी है और ऋत्विक प्रोजेक्ट वाले भी दोषी हैं। आप प्रोजेक्ट वालों को पूछोगे वो SGVN पे डालेंगे, SGVN वालों को पूछोगे तो उस पे डालेंगे, तो हम तो दोनों को पार्टी कंपनी है हैदराबाद की सर, जो क्रशर है कंपनी, ऋत्विक कंपनी रन कर रही है या कोई और सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्टर है, कौन है सर? अभी तक तो जो कॉन्ट्रैक्ट में इनको अभी परमिशन आई है वो ऋत्विक के नाम से ही आई है, तो ये जो क्रशर चलाया जा रहा है ये ऋत्विक के नाम से ही चलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कंसेंट टू जो एस्टैब्लिश का आपको चिट्ठी आई है HP स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, ये तो ऋत्विक प्रोजेक्ट के नाम से ही आई है स्टोन क्रशर, और ये वो चिट्ठी का कॉपी। सर ये सक्रिय है, काम कर रहा है, और ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू है ये इस प्रोजेक्ट से संदर्भ में तो है ही, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें जैसे हमारे इंडस्ट्रीज हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, कमोवेश हर जगह यही स्थिति है। यहाँ 100% का एग्रीमेंट है और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें 70% हिमाचलीज को एम्प्लॉयमेंट देने की बात जो है 80% हिमाचलीज को एम्प्लॉयमेंट देने की बात जो है वो जितने भी MOU होते हैं उनमें वो होती है, लेकिन देखा ये गया है कि हिमाचल के जो लोग हैं ज़्यादातर जो IT इंजीनियरिंग बच्चों ने की होती है वो लोग एडजस्ट होते हैं उसमें या लेबर में जाते हैं, बाकी जितना जो टॉप उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो बाहर के लोगों की होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार इस चीज़ की मॉनिटरिंग करने में, सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं अलग अलग कंपनीज के साथ, चाहे वो प्रोजेक्ट्स के हों चाहे इंडस्ट्रीज के हों, किसी भी तरह के जो इस चीज़ से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंश्योर करना किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना, गवर्नमेंट एजेंसीज ने करना, तो गवर्नमेंट का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और गवर्नमेंट इसको इनके इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से जो है उसको एंश्योर करने में वो विफल रही है, फेल रही है। और बेरोजगारी को दूर करने की बात करती है तो अगर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट्स दुनिया भर के हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, अगर जितने जिस परसेंटेज में रोजगार यहाँ के लोगों को देने की बात कही गई है अगर उसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता तो मैं समझता हूँ कि आज इतने ज़्यादा बेरोजगार नौजवान हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। धौला सेतु प्रोजेक्ट में जो धांधलियाँ हो रही हैं उसको लेकर आज हमने प्रेस वार्ता करी। दो अहम मुद्दे हैं, पहला कि इलीगल तरीके से जो खनन हो रहा है, जो क्रशर वहाँ लगाया गया है, कंसेंट टू एस्टैब्लिश की परमिशन 10-15 दिन पहले आई, लेकिन जिस प्रोजेक्ट को लगने में, क्रशर को लगने में 3-3 महीने लग जाते हैं तो वो 10 दिन के अंदर कैसे लगाते हैं और प्रोडक्शन कैसे चल रही है? कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ क्रशर बड़े पहले से लगा हुआ है और खनन जो है वहाँ पर लगातार चल रहा है, तो माइनिंग विभाग को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। दूसरा अहम मुद्दा है बैचिंग प्लांट भी साथ में लगा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्रशर के साथ बैचिंग प्लांट भी लगा हुआ है जिसकी परमिशन इनके पास नहीं है और इसके ऊपर भी खनन विभाग कुछ नहीं कर रहा है, माइनिंग ऑफिसर को भी अवगत कराया गया वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरा अहम मुद्दा है रोज़गार, SGVN और ऋत्विक कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसमें ये लिखा गया है 6.1 का जो ये आप पैरा देख रहे हैं कि 100% रिक्रूटमेंट जो है वो स्थानीय लोगों की होगी। अगर विस्तार से बताया जाए तो इसका मतलब ये है कि जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं जिसमें 44 गांव पड़ते हैं, 30 ज़िला हमीरपुर के हैं, 14 ज़िला कांगड़ा के हैं, पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी ज़मीनें गई गई हैं और उसके बाद जो लोग दूसरे विधानसभाओं से हैं या आसपास के इलाकों से जिनकी ज़मीनें नहीं गई हैं पर क्वालिफाइड लोग हैं वहाँ पर, अगर वहाँ भी आपको लोग नहीं मिलते हैं तो दूसरे ज़िलों की तलाश कर सकते हैं, अगर पूरे प्रदेश में नहीं मिलते हैं आपको तो बाहर से आप लोगों को ला सकते हैं। अब अगर आप इसमें डिटेल में जाएं
हमने पीछे कुछ कागज़ इकट्ठे किए एक्साइज की, जिसमें ये हैरान करने वाली बात यह है कि जो स्टाफ के लोग रखे जा रहे हैं 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो बाहर के लोग रखे जा रहे हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे कि नॉन हिमाचली लिखा है, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग रखे जा रहे हैं, जिन लोगों को सब कॉन्ट्रैक्टर्स जिसे हम कहेंगे ऋत्विक कंपनी के साथ हैं उनके ऊपर भी ये कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है, जिसमें भी रिक्रूटमेंट बाहर के लोगों को रखी जा रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि स्थानीय लोगों को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए था इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, जो वादा SJVN ने किया था ज़मीन लेते वक्त लोगों से, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। SJVN का काम सरकार की ओर से ये सुनिश्चित करना था कि जो स्थानीय लोग हमको रोज़गार मिले, कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना ना हो, प्रोजेक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट के अधीन काम करें, लेकिन दोनों की मिली भगत से आज इलीगल माइनिंग भी हो रही है। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी खुद कर गए, आज कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी और खनन को लेकर ज्वलंत मुद्दे को लेकर लोगों के सामने मुखर है, सरकार के सामने मुखर है। तो आज प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं वहाँ पर इलीगल खनन हो रहा है, और दूसरी ओर जहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ एग्रीमेंट SJVN के तहत होता है 100% लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो वहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए आज हमने तय किया है आप सबके माध्यम से, एक कि पहले जनता को अवगत कराएं कि पीठ पीछे SJVN और ऋत्विक कंपनी क्या कर रही है, उनके अधिकार का हनन कैसे हो रहा है। दूसरा, 10 से 12 दिन का समय हम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों जिनकी ज़मीनें गई हैं उन्होंने SJVN के पास अपने बच्चों का, अपने परिवारों का जो रेज्यूमे है, क्वालिफिकेशन सहित, पोस्टों सहित वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अगर बाहर के लोगों को बाहर का रास्ता ना दिखाते हो और यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं देती है SJVN और ऋत्विक कंपनी, तो हम लोग 10-12 दिन के अंदर आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार, जो कि 4 महीने में बदलने जा रही है, 4 महीने के अंदर अपना जो धर्म है, अपना कर्म है, काम नहीं करती है, तो हम कोर्ट के पास जाएंगे। हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हमारा लीगल सेल है, उससे बात हो चुकी है, और PIL दाखिल करेंगे कि यहाँ के लोगों के साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है और SJVN जो है कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना कैसे कर रहा है। धन्यवाद सर।